सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। रात के करंटली 1 बज रहे हैं एंड मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। सो करीब आधे घंटे पहले मैं बस अपना काम कर रहा था जो बचा कुचा था दिन भर का, एंड मेरे दोस्त का मुझे 15 मिनट पहले कॉल आया एंड उसने मुझे बोला कि उसका जो छोटा भाई जिस स्कूल में है उस स्कूल में आज एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ। द इंसिडेंट इज वेरी सिंपल। द थिंग हैपेंड इज स्कूल में बस एक नॉर्मल रैंडमली बैग चेकिंग होना चालू हुआ एंड आई नो यू गाइस गेस्ड इट कि क्या हुआ एग्जैक्टली उधर। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप सही से गेस नहीं कर पाए, सो द थिंग हैपेंड वॉज एक लड़की जो प्रोबेबली मेरे से 3-4 साल छोटी है, उसके बैग में 3 वेप्स मिले। मतलब उसमें से एक उसका खुद का था एंड 2 किसी और के थे। एंड मैं ये सुन के आई वॉज बेसिकली सो डैम स्पीचलेस कि लाइक भाई मेरे से 4 साल छोटे, मतलब मान लो तुम अभी 14-15 साल के हो एंड तुम अभी से वेप्स कर रहे हो, लाइक व्हाट द फक। द थिंग इज यूजेज ऑफ वेप इज सो फकिंग कॉमन इन दिस जनरेशन। आई नो अभी बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा होगा यार कि यार बस वेप ही है और क्या होगा, लेकिन द थिंग इज कि यार 14-15 साल में मैं इस एज में ये सोचता था कि मुझे स्कूल में कौन सी पेन ले जानी है, कौन सी ब्लैक या ब्लू, एंड ये लोग सोच रहे हैं मैं कौन सा फ्लेवर लेकर जाऊँ। लाइक लेजिट क्या है यार ये। वेल अभी बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ पे बोल सकते हैं कि प्रोबेबली वो बच्चा या बच्ची ने स्मोकिंग स्टार्ट कर लिया होगा एंड टू क्विट स्मोकिंग वो लोग वेप्स कर रहे हैं सो दैट दे कुड गेट बैक टू देयर हेल्दी लाइफस्टाइल। वेल ठीक है कि वो स्मोकिंग क्विट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस 14-15 साल के बच्चे के लाइफ में ऐसा क्या बड़ा सिचुएशन आ गया होगा दैट ही या शी हैड टू स्टार्ट स्मोकिंग। मतलब क्या स्कूल में तुम्हारी गोल्डन ट्राइमैक्स वाली पेन खो गई थी क्या, जो 90 रुपए की आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा घाटा फील हुआ एंड यू आर लाइक कि चलो आज स्मोक करते हैं, या फिर तुम लोग का ब्रेकअप हो गया। लाइक यार देर इज नो फकिंग रीजन कि तुम लोग सीधा स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग पे अपने लाइफस्टाइल को लेकर जाओ यार। वेल वो पॉइंट ठीक है कि तुम लोग स्मोकिंग को क्विट करने के लिए वेप कर रहे हो, लेकिन आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉइंट कि तुम लोग यार 14-15 साल के टाइम पे स्मोकिंग क्विट करने के लिए वेप कर रहे हो। दैट्स 100% नॉट द केस। टीनेजर्स बेसिकली आर नॉट इन डिप्रेशन एंड दैट्स वाई दे स्टार्ट वेपिंग। मोस्टली टीनेजर आर वेपिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक वेरी hot and fucking sexy in front of the society. Well, my honest reaction to this thing is ki yaar gaan marao. Because the thing is ki is age mein tum log ye decide karte ho ki tumhe apne future ke sath kya karna hai and tum log basically life and death wale decision pe lekar aa rahe ho ki future mein jeena hai ya marna hai. चलो एक हद तक फॉर अ सिचुएशन मैंने मान लिया कि बच्चा एक्चुअल में डिप्रेशन में है, प्रोबेबली फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, बुलिंग, हैरेसमेंट, एक्स वाई जेड रीजंस, ठीक है। लेकिन ये डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका क्या स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है, मतलब वेब एक्स वाई जेड जो भी, मतलब मान लेते हैं कि एक हद तक इट डज हेल्प यू टू गिव अ टेम्पररी प्लेजर, लेकिन क्या वो शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको आपके डिप्रेशन से बाहर निकलने को हेल्प करेगा, क्या उस चीज की गारंटी है? या चलो इवन इफ आई कंसिडर कि इट इज गारंटीड कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल गए, मुझे एक बात बताओ इज इट वर्थ देन? बिकॉज तुम लोग ने अपने आप को तो एडिक्ट कर लिया उस चीज से, तुम अभी डिप्रेशन से बाहर निकल गए हो, दैट डजंट मीन कि तुम अभी स्मोकिंग एंड वेपिंग को रोक दोगे, तुम लोग उसको कंटिन्यू करने ही वाले हो अगर तुम लोग उस चीज पे डिपेंडेंट हो चुके हो फाइनली तो। सो अगर आप वेप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर लुकिंग कूल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मुझे तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट है नहीं एनीवेज, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अपना ना एक फोटो एंड अपने फैमिली का एक फोटो अपने फोन कवर में या वॉलेट में रख लेना एंड ना जब ये वेप करोगे तब एक चीज सोचना कि तुम अपने पैसों से नहीं कर रहे हो, अपने माँ बाप के पैसों से कर रहे हो, तुम उनके पैसों के साथ, उनके टाइम के साथ, उनके इमोशन सबके साथ खेल रहे हो। एंड अपना एक बचपन का पिक अपने पास रखना जिससे ना आप ये सोच पाओ कि क्या ये वही बच्चा है जो बचपन में अपना नाक कवर कर लेता था जब वो किसी भी स्मोकर्स के आसपास से जाता था। वेल अगर इतना सबके बावजूद इफ यू स्टिल फील टू कंटिन्यू योर वेपिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जो भी तुम कर रहे हो, सो यार इट्स योर पर्सनल चॉइस, मैं कुछ बोलूंगा नहीं उस पर। मतलब देखो इतना याद रखना कि दुनिया में से एक चूतिया कम हो जाएगा, दुनिया को भी फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया चलती रहेगी, इवेंचुअली इवन योर फैमिली विल मूव ऑन बिकॉज एट द एंड वो कुछ कर नहीं सकते, बच्चा मर गया तो मर गया। सो अगर तुम्हें इस चीज़ को सही में रोकना है तो मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, नीचे लिंक है मेरे इंस्टा का, एंड अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है सो या एंड ज़रूर इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो एक्चुअल में वेप कर रहा है एंड अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है सो दैट उसकी लाइफस्टाइल आपके वजह से थोड़ी सी ज़्यादा इजी हो जाए ये वीडियो के थ्रू, एटलीस्ट आई होप सो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।